नमस्ते एवरीवन, मैं सश्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आज मैं आपके साथ 3 DIY शेयर कर रही हूँ दिवाली के लिए, और ये बहुत सिंपल हैं और क्विकली बन जाते हैं। आजकल मार्केट में रेडीमेड रंगोली बहुत मिल रही हैं और इनको बनाना बहुत ही इजी है और ये क्विकली भी बन जाते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इस तरह का एक केरी डिज़ाइन कर लिया है पेपर में, और इस पेपर को मैं कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। इस तरह के मैंने 5 कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद इसके साइड में मैं लेस लगाऊंगी। मेरे पास ये गोल्डन कलर के लेस थे, आपके पास जो भी है वो आप लगा सकते हैं। ग्लू गन से मैंने ये सारे लेस को इसके चारों तरफ अच्छे से उसी के शेप के हिसाब से मैंने लगा दिया है। पूरा लेस लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो है मैं इसको कट कर लूँगी। फिर मैंने कैंडल होल्डर लिया है और उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है। फिर जो बाकी जगह है उसके ऊपर मैं इस तरह के पॉम्पॉम से डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, नहीं तो परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ये छोटे वाले पॉम्पॉम जो है वो परचेज़ किए हैं लोकल मार्केट से, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मैं इसको पिंक कलर का पॉम्पॉम लिया है और उसके ऊपर मैं इसको सारे लगा दूँगी। सारे पॉम्पम लगाने के बाद ये बन गया है, और इस तरह के मैंने 5 बना लिए हैं अलग अलग कलर के। फिर मैं इसके मिडिल वाला हिस्सा बनाऊंगी, और इसको भी बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और मेजरमेंट के लिए एक प्लेट ले ली है, और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद उसके चारों तरफ भी वही जो गोल्डन कलर का जो लेस है उसको लगा दूँगी। चारों तरफ लेस लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैं पॉम पॉम से डेकोरेट करूंगी, और ये जो बड़े वाले हैं इनको मैंने घर में ही बनाया है। पॉम्पम लगाने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है रंगोली। इसको हम एक साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग रख कर भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सेकेंड DIY करने के लिए मैंने ये ग्लिटर वाली फोम सीट ले ली है, और इसके ऊपर मैं एक दिया डिज़ाइन करूँगी। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी, और इस तरह के मैंने 3 दिए बनाए हैं, और इन 3 दियों को मैं एक बड़े से कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और उसको भी कट कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा स्टडी हो जाए। उसके बाद मैं इन दियों के बॉर्डर लाइन को मिरर से डेकोरेट करूंगी। इसके लिए मैंने लीफ शेप के मिरर ले लिए हैं, आप चाहें तो किसी भी शेप के ले सकते हैं। मैंने 2-2 करके लगाए हैं, आप चाहें तो एक करके भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। साइड में लगाने के बाद मैं इसके अंदर भी मिरर लगा दूंगी ताकि ये खाली खाली ना लगे और थोड़ा और भी अच्छा लगे। ये हमारा दिया रेडी हो गया है, और आप इसको वॉल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं लगाकर, नहीं तो नीचे भी रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने टेराकोटा का छोटी वाली प्लेट ले ली है, और उसके ऊपर मैं एक्रेलिक कलर करूँगी। उसके बाद मैं एक छोटे से दिए को भी कलर कर दूंगी। प्लेट का कलर सूखने के बाद उसके बॉर्डर लाइन में मैं गोल्डन कलर से आउटलाइन कर दूंगी ताकि और भी थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। उसके बाद मैं अंदर की तरफ मिरर लगा दूंगी ताकि जब हम कैंडल उसके अंदर रखें तो बहुत ही अच्छा लगे, मिरर इफेक्ट आए और बहुत ही वो जगह जो है बहुत खूबसूरत लगे।
मिरर लगाने के बाद मैं इस प्लेट को वो जो छोटा सा दिया है उसके ऊपर ग्लू लगाकर पेस्ट कर दूंगी ताकि थोड़ा सा हाइट मिले और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। अब हमारा ये टी लाइट होल्डर रेडी हो गया है, आप इसको कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।